नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। सपनों की बात करते हैं। आपको सपने में अपने पिताजी के दर्शन हो रहे हैं, आपके फादर पिता जो इस दुनिया में नहीं है, और कई बार आपको सपने में वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं। इसके विवरण जो है स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि उनकी कोई ऐसी इच्छा रह गई जो पूर्ण नहीं कर पाए वो अपने जीवन में, और उस इच्छा को पूर्ण करने का वो आपसे निवेदन कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, ढूंढिए, हो सकता है अपनी बेटी को, पोती को, द्योती को, या किसी और अपनी बहन को कोई चीज देने की इच्छा हो और वो अधूरी रह गई हो, आप उसको पूरी कीजिए। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये एक जरूरी काम होता है, और कुछ इसी सपने के बारे में विवरण दूसरा भी आता है कि आपके पिता आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको आगाह करने आए हैं कि आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो कोई भी काम बहुत सोच विचार कर करें, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप शादी सेटल कर रहे हैं किसी की, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, नया दुकान मकान बनवा रहे हैं, तो उसमें वो दोबारा से आप सोच विचार के करने का ये एक आगाह आपको करने आए हैं, जिससे कि कोई गलती ना हो। आपके पिता आपको सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं। सफेद रंग को हम बहुत शुभ मानते हैं, अच्छा रंग माना जाता है। तो ये विवरण आपको दे रहा है कि आपके जीवन में जो असफलताएं आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर होने वाली हैं। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। जीवन के अच्छे फलों की प्राप्ति का ये संकेत दिखा रहा है आपके पिता का सफेद वस्त्रों में आपको दिखाई देना सपने में। इसके विपरीत आपके पिता आपको काले वस्त्रों में दिखाई देते हैं। काला शॉल ओढ़ के आपको दिखाई दे रहे हैं, शांत मुद्रा में है, तो ये एक अच्छा सपना नहीं है। वो बताने आ रहे हैं कि आपके जीवन में कोई धोखा मिल सकता है, कोई कष्ट आ सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, मानसिक या शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा समझदारी से कोई भी काम करें, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। आप पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर ये परेशानी का विवरण दिखाई देता है। इस तरह के पिता के जो सपने आ रहे हैं काले वस्त्रों के, अगर कई बार आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अमावस के दिन, जितनी भी अमावस आती है, अपनी श्रद्धा अनुसार किसी गरीब को कुछ दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा, और अमावस के दिन रात्रि में एक पश्चिम दिशा में एक दीपक जलाइएगा। इनसे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पिता खास तौर पे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एक निवेदन करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं, भेजिएगा। धन्यवाद। प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमो नारायण।